यादू तो बिग बॉस देखता है क्या? सुनने में आया है इसमें रणिल कपूर आ रहा है बिग बॉस में, बहुत मजा आने वाला है, ऐसा सारे कह रहे हैं। मैं तो देखता हूँ शुरू से, तू भी देखना शुरू करो, अपने चिल्लर पार्टी को बोले वो भी देखना शुरू करे, आइला बहुत मजा आएगा। आइला तेरी माँ की क्यों? तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? तो शायद मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आज मेरी वीडियो किस बारे में है, वो तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 एक ऐसा चुतिया वायरस रियलिटी शो का जो धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अरे बस कर रहे कपूर सर, कितना नाच हो गया जो आपने नाच की गाना मार ली सबकी। मुझे पता है आपको बड़े दिनों से काम नहीं मिल रहा है, अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सबको बताओगे कि आपको बड़े दिनों बाद काम मिला है। नहीं यार, जल्दी शुरू करो, मेरे व्यूअर्स को लेट भी हो रहा है। अब बुलाते हैं हमारा पहला कंटेस्टेंट। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, सो वेलकम वड़ा पाव गर्ल। थैंक यू सो मच। क्या यूनिक नाम है आपका, वड़ा पाव गर्ल। चंद्रिका दीक्षित, दीक्षित सुनकर थोड़ी सी मुझे मेरी भी यादें ताजा हो गई। अधूरी दीक्षित। नारायण कपूर सर, एक काम करो ना, झाड़ दो ना उसके मुंह पे, इतनी फ्लटिंग जो कर रहे हो, झाड़ दो उसके मुंह पे। मुझे आपके नाम से नाम याद आ गया, क्यों बहनचोद, माधुरी दीक्षित ही नाम याद आ गया तेरे को, है सीरा दीक्षित नाम नहीं याद आया तेरे को? वड़ा पाव नहीं खिलाओगे मुझे? मात छोड़ दूंगी तेरी, इधर लाइन में लग पहले। लेकिन वड़ा पाव के साथ आप भाव बहुत खाती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कभी आज तक, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने भाव खाया होगा। मैंने कभी आज तक, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने भाव खाया होगा। ना जो अभी क्लिप दिखाई वो तो प्रवचन देते रहे, बड़े तू अच्छी संस्कारी वाली बातें कर रहे थे ना, तेरी बीवी भाग गई, तेरी ये भाग गई, तेरा लोड़ा लसन मैं जो, और वैसे मेरी अगर मान लिया ना मैं जो, अच्छा तो बिग बॉस में चली गई है, क्योंकि जब तक तू बिग बॉस में नहीं तब तक तू दिल्ली में थी ना, तो तूने मैं जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की गांड ही मार रखी थी, आए दिन मैं जो कोई ना कोई न्यूज आ रही, कोई तेरी कुत्ता गांड मार गया, कोई तेरी शेर गांड मार गया, अरे फलाना ढिमकाना बक पहन जो। बिग बॉस में रोना धोना नहीं। A few moments later. अबे नील कपूर सर, आप इस लड़की से लेकर चुतिया हो गए हो क्या बहनचोद? हैं, अभी आपने खुद ने कहा ना बिग बॉस में रोना धोना नहीं, फिर बहनचोद खुद ही रोना शुरू कर दिया। अब अगर आपका ही फिर चुका है क्या, सर इस उम्र में जुड़िए, छोड़ दो ये वाली जो बहनचोद, बिग बॉस छोड़ दो, सलमान खान को आंदो आपसे बढ़िया संभाल देते यार बिग बॉस, कौन ले आया इस बहनचोद को? सबको मेरा नमस्ते। बहन जो किसको लेके आ गए तुम ये बिग बॉस में, किसकी क्लिप चला दी है तूने? मैं शिवानी कुमारी, हम गांव के ब्लॉग बनाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपने लाइफ स्टाइल दिखाते हैं? किस टाइप के लाइफ स्टाइल दिखाते हो? गांव वाला लाइफ स्टाइल दिखाओ, किस टाइप के लाइफ स्टाइल दिखाती हो तुम? 143 और गांड मारो फ्री। 143 और गांड मारो फ्री। लंड बेटा फिक्स। अबे कौन सा गांव का लाइफ स्टाइल दिखा दिया तुमने? अब जिस बंदे की जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो मुझे एंट्री से लेके अब तक बहनचोद मुझे अच्छा लगा ही नहीं है, पता नहीं कैसा बंदा है वो। वो बाहर की दुनिया में एल्विस से गांड मरवा रहा, अंदर के घर में घर वालों से गांड मरवा रहा, नाम उसका है लव कटारिया। ये है लवकेश कटारिया, करप्ट युवा। तो आपकी भी कोई आर्मी है, उसका कुछ नाम है? सर मेरी तो नहीं है, पर मेरे एक भाई हैं एलविश, उनकी आर्मी है एलविश आर्मी करके, मतलब फॉलोअर्स को कहते हैं अपनी एलविश आर्मी। अच्छा, वो मुझे भी प्यार करते हैं हालांकि, क्योंकि हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तो एक तो भोसड़ी वाले की मेरे को आवाज शुरू से अच्छी लगी, मैं मेरी तो नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है, मेरा भाई है एलविश, भोसड़ी के डिसाइड कर ले है क्या तेरा वो भाई है साला है मामी का लड़का है, भोसड़ी के डिसाइड कर ले, और उसकी आर्मी भोसड़ी के उसके दम पे खेलने आएगा बिग बॉस के अंदर, अपने दम पे खेलेगा नहीं उसके दम पे खेलेगा भोसड़ी वाले। बोल तो ऐसा तो पूरे दिन उससे गान मरवाता है या क्या? भोसड़ी के तो सही में उससे गान मरवाता है या क्या? सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि तू घर वालों से भी गान मरवाएगा एलविश की याद में, क्या सही है ये? या अबे मान चुदा भोसड़ी के साइड हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस चौदह में बिजी किया हुआ वहां पर नील कपूर बहन जो अपना को जोनी सिंह समझने लगा, इंडियन जोनी सिंह, कहता है मैं सब्जी वाला बनता हूँ, आप मुझसे सब्जी लेने आई हो, मैं जो ठरक ध्यान इस बंदे की, मैं सब्जी वाला बन जाता हूँ ठीक है ना,
आप मुझसे सब्जी लेने आई हैं जी, और आपको एक एक किलो सारी सब्जी लेनी, फिर उसके बाद आपको धनिया फ्री में मांगना, तो कैसे करेंगे आप? चलिए मैं क्या लेने आई हूँ? लोड़ा लेने आई है बहन की, पहले सुना नहीं था कि जब वो बोल रहा था मांग लोड़ा मांग, अब कैसे मांगेगी? देखिए बात कुछ ऐसी है कि आपने मुझे सब्जियां तो दे दी, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपका तारुफ मोहल्ले में अच्छी तरीके से करूं और लोग मुझे अच्छे से यहाँ पर मानते भी हैं, तो थोड़ी सी सब्जी मुफ्त में दे दीजिए ना, जैसे दिल मेरा मुफ्त का वैसे सब्जी भी आपकी थोड़ी सी आप मुफ्त में दे देंगे तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, देंगे ना जनाब? अबे बहन की लोड़ी खाली सब्जी मांगनी है, उस भोसड़ी वाले का ठरक नहीं जानी, वैसे वो भोसड़ी का ठरकी बड़े देर से ठरक के अंदर है, उसको मौका चाहिए रंजो जानने का, मैंने तूने और निकलवा दिया होगा उसका। तो अब मैं जिस प्राणी की बात करने जा रहा हूँ उसके पास हर चीज दो है, आंख दो है, कान दो है, हाथ दो है, हाँ नॉर्मली भी सबके पास होता है, लेकिन एक ऐसी भी दो है जो सबके पास नहीं होती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, वो नहीं भाई, वो नहीं, वो वाली चीज नहीं, बीबी भी उसके पास दो है, मैं बीबी की बात करता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, हम दोनों के पति सेम है, ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अबे हंसने की बात नहीं, भोसड़ी के एक मैन में दो तलवारें रख रखी है तूने, तू कंफ्यूज नहीं होता मेरे भोसड़ी के बेड पे कि एक साथ दोनों को कुछ कैसे करूं, मतलब कि चल छोड़ यार ये वाले क्वेश्चन, मैं तुझे बाद में किसी पर्सनली पूछूंगा, एक बार बता अच्छा ये हुआ कैसे, हुआ कैसे? आपने क्या तपस्या की थी? सर कुछ नहीं किया, बस ये लगा लो कि कुदरत ने बोला कि भाई करो और हमने कर दिया। अबे भोसड़ी के कल को कुदरत बोलेगी 20 रोड पे कान मरवा ले तो वही मरवा लेगा क्या? अबे ये थोड़ा होता है ना चलाने की जरूरत है क्या बहन जो, अपने कम्युनिटी को तुम बदनाम करने में लोगे बहन, कि तुम में होता ही नहीं है ये। मन में मेरी बात आ रही है जी सर, आपको पायल पसंद आई 6 दिन में जी, और आपने शादी कर ली जी सर, कृतिका पसंद आई 6 दिन में आपने शादी कर ली जी सर, तो मेरी एक सलाह है जी कि पायल और कृतिका बिग बॉस के घर में, कि अरमान को सिर्फ 5 दिन ही रुकने देना, कहीं पता चले 6 दिन कहीं झाड़ दे जो किसी के अंदर, फिर वो 7 दिन मजबूर हो जाए शादी करने के लिए। यार इन सब लोगों के चक्कर में ना मैं आपको एक बंदे से तो मिलवाना भूल ही गया, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इतनी गांड मरवाई है ना, अगर इतनी गांड कोई और नॉर्मल बंदा बनवाता ना तो उसको दुनिया जाने लगती, लेकिन इस भोसड़ी वाले को कोई नहीं जानता। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? और बहन बिग बॉस की रिसर्च टीम को हुआ क्या दिन ब दिन कैसे घटिया होती जा रही है, किस किस को लेके आ रही है उठा उठा के, एक बार हाथी से बंदा ले आई वो भोसड़ी का पहले पूरे घर में लड़ लेगा, उसके बाद बच्चों कोने बैठ के रोएगा। अबे भोसड़ी की या तो लड़ मत या तो माधव छोड़ो रो मत, अरे दीपक सर अभी तो आप हाथ फेर रहे थे, बच्चा रो रहा है उसको रुमाल दो कुछ दो पहुंचने के लिए, बच्चे क्या देने लग गए आप अंधेरे में। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना, मैं भी धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे। बाकी और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट मेरा अच्छा लगा इस वीडियो का, और टॉपिक जरूर सजेस्ट करना मेरी अगली वीडियो के लिए, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं जो आपने मेरे को टॉपिक दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखो अपना।